चलो तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो एक तो एक्सपोर्ट करना होता तो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट यहाँ पे क्लिक किया और ये एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है यहाँ ये एक्सपोर्ट हो गई, देखो ये मैं निकल के आ गई। ठीक है। तो इस और तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते सर किसी, इसमें एक ऑप्शन था सर, हाँ वो जो सबसे पहला नंबर ऑप्शन जो है कौन सा उसका, हाँ ये, वो हाँ वहाँ हाँ जाइए, फाइल में बार जाइएगा फाइल में गए, और नीचे एक एक्सपोर्ट है, हाँ ये भी, या हाँ हाँ ये वाला, ये मैं कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था यहाँ से। अब वहां से ये देखो एक्सपोर्ट आ तो गया, क्लिक कर दो, हो गया। वो कह रहा था कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, ऐसा कुछ हाँ था, तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना क्या अपने, सिलेक्ट तो करना पड़ेगा यानी ये? स्क्रीन को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, कौन सी स्क्रीन पर एक्सपोर्ट करना है, ठीक है उस स्क्रीन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चल अच्छा अब क्या डिजाइन कर रहे हैं हम, सिंपल का हल्का बनाकर लीजिए। अच्छा तो मुझे देखो मैं ना एक नया स्क्रीन बना रहा हूँ, कैसी रहेगी स्क्रीन, ये ही स्क्रीन है, ठीक है इसमें मैं क्या करूँगा जब मेरी वेबसाइट ओपन होगी ना तो कुछ कंटेंट ना ऐसा मूव करता हुआ आएगा, हेडर ऊपर से आएगा और ये चीज़ मेरी फॉर्म इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ठीक है ऑटो एनिमेट लगा दिया। तो मैं एक बार ये स्क्रीन इसको भेज देता हूँ, लेट हो गए। मिल रहे हैं बी आर टाइप, बी आर लाइन ब्रेक, नाम क्या है अपने का बैच का, आज का अंशिका, अंशिका नहीं अंशिका 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 अंशिका, ये रही तो देखो हम ना क्या करते हैं ऐसा ही कुछ डिजाइन बनाते हैं, ठीक है इसमें क्या होगा कि ना मेरा पोर्टफोलियो ना लिखा आएगा और ये लड़की ना यूं आएगी सुन, ठीक है सुपरमैन की तरह, ठीक है सुपरमैन ले लेते हैं, सुपरमैन टीएनजी, टूल में गए कलर में गए ट्रांसपेरेंट इमेज ले लेते हैं, ठीक है और कौन सा सुपरमैन सही रहेगा, ये वाला सुपरमैन सही रहेगा, ये कौन शक्तिमान सा लगता ये वाला, ये फ्रंट से आएगा ना, ये सही रहेगा ना, ये वाला शक्तिमान, ये शक्तिमान लगता है, कुछ भी समझ कुछ भी इंडियन हीरो समझ लो। चलो तो सुपरमैन हमने निकाल लिया बना सांगे ये रहा, ठीक है तो एक सुपरमैन के लिए यूआई बना लेते हैं, तो गूगल पे सर्च करते हैं कुछ मिल रहा है सुपरमैन का यूआई, मिल रहा होगा लोग बहुत है क्रिएटिव, ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक है तो अरे बाप रे इसने बना रखा है ये रहा, अरे देखो बहुत सारे निकल के आ गए, ये सेम टू सेम है, कलर कैसे आता है क्या ये पूरा लाइट कौन सा वाला, ये वाला ये, हाँ ये ना इसमें क्या कर रखा है कि इमेज यूज कर रखी है, ग्रेडियंट यूज किया हुआ है इसकी ओपेसिटी कम कर रही है, तो चलो पहले अपन ये वाला निकाल लेते हैं और यही सेम बना लेते हैं ऊपर, ठीक है तो इसमें क्या हो रखा है एक इमेज है पीछे और इसमें क्या हो रखा है एक ग्रेडियंट दिया हुआ है, चलो तो हमारा कहाँ है स्क्रीन हमारी ये भी, न्यू फाइल एफ से आ गया फ्रेम और डेस्कटॉप, और सबसे पहले अपन क्या करते हैं अपना राइट क्लिक करके, ठीक
प्लगइन यूज करते हैं, फाइन प्लगइन, अनस्प्लैश प्लगइन। यहाँ डाल देते हैं बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग सही रहेगी, ये वाली सही रहेगी। इंजन ये बाहर के लिए आ तो नहीं रही है, आ गई है। ठीक है, तो हमारी बिल्डिंग आ गई है। अब वो सुपरमैन कहाँ है हमारा, ये रहा सुपरमैन, इसके ऊपर यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और मैं पहले ऐसे ही डिज़ाइन से बना लेता हूँ जैसे उसमें बना हुआ था। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसके ऊपर रखा ऐसे, और यहाँ पे अपन ने यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से सॉलिड की जगह हमने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट दे दिया। अब कौन सा कलर चाहिए वो सेट कर लिया यहाँ पे हमने। तो मुझे यहाँ पर चाहिए रेड कलर और यहाँ पे चाहिए येलो कलर। ठीक है, इसी येलो की मैंने ओपेसिटी कर दी इस तरीके से। और इसको मैं यूँ एक काम करता हूँ, यहीं पर ना ये ऑप्शन भी आता है ड्रैग करने का, मैंने ऐसे ड्रैग भी कर दिया। अब मैं यहाँ से गया, इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं या फिर यहाँ पे लेयर पे जाके मोड चेंज करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई लुमिनिसिटी से तो बेकार लग रहा है, सॉफ्ट लाइट से ऐसा आ रहा है, ओवरले से कैसा आ रहा है, ओवरले से इस तरीके से आ रहा है, लाइटन से इस तरीके का आ रहा है ना, तो कलर वन से ही आ रहा है, ये सही लग रहा है। इसकी ओपेसिटी आप कम कर देते हैं, कितना अमाउंट चाहिए, चलो यही रख लेते हैं, चलो ठीक है ये। और इसी की ना डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल, सॉरी इसकी कंट्रोल डी से, और इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया और इसके बर्न को मैंने नॉर्मल कर दिया और इसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दी। इसकी ओपेसिटी मैंने यहाँ पे कम कर दी इस तरीके से। चलो ये मेरी एक स्क्रीन ऐसी कुछ बन गई। अब मुझे ये चीज़ ये चाहिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ ये आना चाहिए और ऊपर मेरा एक हेडर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक हेडर ड्रॉ कर लेते हैं। हेडर मेरा जो रहेगा ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर रख लेता हूँ। अगर वाइट कलर है और क्या करना है, हाँ ओपेसिटी, ओपेसिटी हटा दो उसकी, ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंट कर दो, पीछे बैकग्राउंड का कलर मत दो, तो ट्रांसपेरेंट ही आएगा ये। अब ये जो है ये ट्रांसपेरेंट तो है। होम, एक दो तीन चार पाँच, इसी को कॉपी कर लिया, फेस दो तीन चार पाँच। ठीक है, और ऐसे सेट कर लिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे फेसबुक और ट्विटर, यहाँ लिख देता हूँ फेसबुक, यूट्यूब, ये मैंने ऐसे रख लिया। इसको मैं घुमा देता हूँ, घुमाने के लिए क्या करेंगे, रोटेट कर देते थे, ये आ गया, इसको ऐसे सेट कर लिया। तो फेसबुक यूट्यूब सेट हो गया। यहाँ पे इसका फॉन्ट का साइज कितना है, 12 है, और मैं ऐसे भी डिजाइन चलते हैं, यानी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो फेसबुक खुल जाएगा। लिंक कैसे लगाएंगे पता है ना आपको, बाकी फॉन्ट इंस्टॉल करना मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। यहाँ पे अपन लिख देते सुपरमैन, फॉन्ट बढ़ाए थे। मुझे ना सुपरमैन में करना क्या है, सुपर तो ठीक है, मुझे मैन को ना उसमें दिखाना है स्ट्रोक में। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, राइट।
ये देखो यहाँ पे मैंने मैन कर दिया इसको, ये देखो ये लो ठीक है। अच्छा तो मुझे क्या करना है, मैंने क्या करा इसके फिल को बंद कर दिया और स्ट्रोक में कलर दे दिया और इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। ठीक है कंट्रोल जी से ग्रुप इसको यहाँ रख लेते हैं और ये हमारी एक बटन आ गया हमारे पास। मैं वो ग्रिड सिस्टम यूज़ नहीं कर रहा, तुमको सिखा चुका हूँ मैं। ये आ गया और इसका कलर अपन क्या करते हैं ब्लैक दे देते हैं। बस सिलेक्ट किया, अब क्या करते हैं इसको ग्रुप कर लेते हैं। कंट्रोल जी, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और हमारा सुपरमैन कहाँ आएगा, सुपरमैन यहाँ से ही उड़ता हुआ इधर आएगा। तो ये मेरी स्क्रीन रहेगी इस तरीके से, ठीक है। ये पहली स्क्रीन हो गई और दूसरी स्क्रीन क्या रहेगी, क्लिप कंटेंट हो रखा है हमारा, ठीक है। आपने क्या करना है इसको स्क्रीन से ना क्या करना, बाहर रख लेना, ऐसे स्क्रीन से बाहर रख लेना। मतलब बाहर कैसे रखोगे, ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, ठीक है, पर दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या करा, इस वाले जो ग्रुप है इसको भी मैंने स्क्रीन से बाहर रख लिया, अंदर रहना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए बस, ठीक है। सुपरमैन को भी सेम, ये सेक्शन को भी मैंने इस तरीके से रख दिया ऐसे, और इस वाले को भी मैंने, आपने जो एक और बनाया था इसको कॉपी करके उसी में, हाँ बस इसी यानी इसी डेस्कटॉप में होना चाहिए, स्क्रीन से बाहर हो, ठीक है। अब आप क्या करना है इसे कि डुप्लीकेट कर लेना, कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट। अब जो हमारी स्क्रीन थी वो इसको मैं थोड़ा दूर रख लेता हूँ। अब वापस मैंने क्या करा है इसको ना, क्लिप कंटेंट को हटाया तो देखो सारा कंटेंट हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सुपरमैन को उठा के मैंने शिफ्ट दबा के यहाँ उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। ऐसे इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इस वाले सेक्शन को भी उठा के मैंने यहाँ रख दिया और इस वाले सेक्शन को भी उठा के मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब जरा देखते हैं एनिमेशन आई नहीं आई। तो यहाँ से अपन ने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया और प्रोटोटाइपिंग में गए, इंट्रैक्शन पे क्लिक किया, क्लिक की जगह क्या करा ऑन डिले आफ्टर डिले कर दिया और इसको नन की नेविगेट टू कर दिया और यहाँ पे हमने डेस्कटॉप टू को कॉल करा दिया। यहाँ पे अपन इंस्टेंट की जगह स्मार्ट एनिमेट कर देते हैं और ईज आउट की जगह ईज इन कर देते हैं, ठीक है बस, ठीक है ना। अब डन करके देखते हैं क्या हो रहा है। एक बार ना फिट विथ कर लेते हैं, ये बंद हो। ये बंद हो क्या? एक बार दोबारा चालू करते हैं, ये आ गया, प्ले का बटन पे क्लिक करते हैं, ये देखो हमारे पास एनिमेशन आ गई इस तरीके से, ठीक है। तो सारी चीजें जैसे जैसे हमने मूव कराया था उसी हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट दिखाई देगी। आया सुपरमैन भी, वो भी एनिमेशन करता हुआ आया, वो दिखाई पता है टाइम की वजह से दिखाई नहीं दिया, टाइम की वजह से दिखाई क्या, वो नीचे था
तो इसलिए वो इस तरीके दिखाई नहीं दिया। ये देख, सुपरमैन दिखाई दिया क्या? नहीं एनिमेशन होता था। यार ये गलत चीज है, एक ही बार लोड हो लेगा। एक बार देखे सुपरमैन क्यों नहीं आया। सुपरमैन क्या टाइमिंग बढ़ाए थे आफ्टर डिले कितने देर बाद? 1000 1500 कर देते हैं, ठीक है। इतने में सेट हो जाएगा मोबाइल। पीछे क्लियर है ना?